हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं किडलो फन लर्न में। आज का वीडियो जो है वो है टेंस और वंस की वर्कशीट पर। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये जो चैप्टर है वो बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए आपको बच्चों को इस चैप्टर पे इनफ प्रैक्टिस देनी बहुत जरूरी है। तो किस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस देने के लिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन टेंस एंड वंस करेक्टली। सो दिस वन इज अ वेरी बेसिक वर्कशीट जो काउंटिंग से रिलेटेड है। हियर चाइल्ड हैज टू काउंट द ऑब्जेक्ट और उसे टेंस में टेंस डिजिट लिखना है, वंस में वंस डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में 14 बलून्स हैं, तो जो टेंस का प्लेस है वहां पे आएगा 1 और जो वंस का प्लेस है वहां आएगा नंबर 4। सो ये होगा मेरा 14 काउंट। इसी तरीके से बच्चे आगे भी काउंट करेंगे और डिजिट सही तरीके से लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस बाय काउंटिंग इन टेंस एंड वंस। सो यहाँ पे 56 नंबर में कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं ये बच्चों को फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे 56 में जो टेंस होंगे वो होंगे 50 और जो वंस होंगे वो होंगे 6। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप फ्रेम करके बच्चों को दे सकते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन में है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 7 टेंस, तो कहाँ पे किस नंबर में बच्चों को लग रहा है 7 टेंस है उसी के साथ बच्चों को यहाँ पे जोड़ना है। जैसे 70 में होंगे 7 टेंस, सो ये मैच होगा यहाँ 4 टेंस जो है, यहाँ 4 डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे है 4 टेंस, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ। इसी तरीके से आप बाकी डिजिट भी पढ़ेंगे और उसे उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। इसके बाद सर्कल द नंबर दैट हैव 4 इन वन प्लेस। सो यहाँ पे ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं जहाँ पे बच्चों को आंसर फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे जो सीरीज है नंबर्स की, वहाँ पे जहाँ पे भी 4 वंस प्लेस पे है उन नंबर को सर्कल करना है। तो जैसे ये है जो वंस प्लेस पे है, यहाँ भी 4 वंस प्लेस पे है, यहाँ भी 1 प्लेस पे है, यहाँ तो 4 है ही नहीं, यहाँ भी 1 प्लेस पे है, लेकिन यहाँ जो 4 है वो टेंस पे है, सो ये आंसर रॉन्ग है। तो हम करेंगे 34 को सर्कल, 74 को सर्कल, 14 को सर्कल एंड 54 को सर्कल। सो ये होगा मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे। सेम इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप पढ़ेंगे और जिस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया है वैसे आंसर आप ढूंढेंगे और टिक या सर्कल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, काउंट दी डॉट्स इन ईच प्लेस वैल्यू टू राइट द न्यूमरल्स। अब यहाँ पे बच्चों को काउंट करने हैं डॉट्स और नंबर फाइंड आउट करना है। टेंस प्लेस पे है 5 डॉट एंड वंस प्लेस पे है 6 डॉट। सो यहाँ मेरा नंबर होगा 5 टेंस एंड 6 वंस, सो 56 इज गोइंग टू माई आंसर। सेम वे यहाँ पे भी 8 टेंस प्लेस पे है, 2 वंस प्लेस पे है, सो नंबर होगा 82। सो इसी तरीके से हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, काउंट दी वंस एंड टेंस वैल्यू। सो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे कितने टेंस दिए हैं और कितने वंस दिए हैं उनको ऐड करना है और हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा डिजिट होगा। जैसे टेंस 20, 30, 40, 50 एंड +5 55। सो यहाँ मेरा आंसर आया 55। यहाँ पे 10, 20, 30, 30+1, 31। सो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ है, राइट द नंबर्स शोन ऑन ईच अबैकस। जो पिक्चर दिया हुआ है इस अबैकस में, टेंस डिजिट पे कौन सा नंबर है और वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है वो हमें यहाँ लिखना है काउंट करके, एंड इसके बाद उसी नंबर को हमें वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 6 टेंस 1, 2, 3, सो माई नंबर इज 63। अब यहीं पे मुझे वर्ड्स में भी लिखना है 63। सो इस तरीके से आप अबैकस फॉर्म कर सकते हैं और बच्चों को इस तरीके की प्रैक्टिस दे सकते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे 3 टेंस एंड 5 वंस, सो व्हाट द नंबर इट विल बिकम, 3
3 tens and 5 ones will become 35 because 3 on tens place, 5 on ones place. So, इस तरीके से यहाँ नंबर बनेगा 35. So, अगर 42 है, तो tens पे कौन सा नंबर होगा और ones पे कौन सा नंबर होगा ये फाइंड आउट करना है. तो 2 ऑलरेडी दिया हुआ है बट ब्लैंक है tens place पे. So, इस डिजिट में टेंस पे कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो होगा नंबर 4. सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर. यहाँ पे हम लोग को डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस पे है नंबर 1. सो 1 टेंस एंड 2 ones. इसी तरीके से 6 tens, 8 ones, 9 tens, 9 ones. So, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे. सो आई होप कि ये वर्कशीट्स आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगी अपने बच्चों को ones एंड tens चैप्टर पे प्रैक्टिस देने के लिए. अगर वर्कशीट्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.